हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नवीन यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ये है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये बीएड सेकंड ईयर का 2 ईयर प्रोग्राम नेक्स्ट पेपर है। फुल एंट्री अपीयर जुलाई 2021 में एग्जाम हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको 50 मार्क्स का ये टोटल होता है। 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है। यहाँ पर आपको ओनली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और पर यूनिट आपको 1 क्वेश्चन करना होता है, तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। ये है आपका कंपलसरी क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद रिलेशन एथेंसिटी। धर्म जातीयता आधारित समता व समानता की अवधारणा क्या है ये बतानी है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। विद्यालय व समाज के बीच में क्या संबंध है वो बताना है। ये है आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क का है एंड 2 क्वेश्चन हो गए आपके 8 मार्क्स के। यहाँ पर आपके आती है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आपके जो है इसमें 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और 1 क्वेश्चन आपका होगा 16 मार्क का। तो ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है What you mean by socialization? Explain the socialization theory, gender and education application in Indian context. समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण सिद्धांत तथा उनके शैक्षिक उपयोग की भारतीय संदर्भ में क्या व्याख्या है ये बतानी है आपको। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। What you mean by gender identity? Explain the role of formal and informal organization in gender identities and socialization. लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं? लिंग पहचान में समाजीकरण में औपचारिक व अनौपचारिक संगठनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये है आपका सेकंड, ओके सेकंड यूनिट है ये आपकी। ठीक है, ये सेकंड यूनिट आप यहाँ पर देख रहे हो। नेक्स्ट सेकंड यूनिट है आपके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। राइट डिटेल नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज। अभिभावक अपेक्षाओं व मूल्यों पर एक विस्तृत लेख लिखिए। उसके बाद लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, समुदाय विद्यालय की पूर्व प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। समुदाय तथा विद्यालय एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? एक तो होती है हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी क्या है, और एक स्कूल, दोनों मिलकर बच्चों के बिहेवियर में या फिर उसके डेवलपमेंट में किस तरह से प्रभावित करती है, बच्चे को क्या इफेक्ट डालती है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। यही आपके क्वेश्चन पेपर थे सेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये आपका फिफ्थ ए क्वेश्चन पेपर है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने अब तक अपने पेपर 6 पेपर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं एमडीयू के पेपर तो आप वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।